अजय और रीना करोड़पति थे। जब वो अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बच्ची सिमरन किडनैप हो गई है। अजय तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बुला लेता है। उस वक्त घर पे कौन कौन था तो अजय मेहुल को बताता है कि उस टाइम घर पे कुक, गार्ड और चौकीदार थे। आप तीनों कहाँ थे जब रात को सिमरन किडनैप हुई? सर मैं तो किचन में खाना बना रही थी। सर मैं सिमरन के रूम के बाहर पहरा दे रहा था। मैं तो अपने गेट पर खड़ा था, मैंने नहीं देखा किसी को भी सिमरन को ले जाते हुए। ये सिमरन की खिड़की के पास कोई सिक्योरिटी है? नहीं। मेहुल तुरंत उस खिड़की के फुटेजेस चेक करता है तो फुटेजेस में सिमरन तो नहीं दिखती, पर उसके चिल्लाने की आवाज आती है। रात को करीब 2 बजे सिमरन किडनैप हुई। मेहुल पूरे केस को अच्छे से एनालाइज करता है और समझ जाता है कि किडनैपिंग किसने की है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? किडनैपर कुक है। रात को 2 बजे किचन में कुकिंग की तैयारी कौन करता है? वो झूठ बोल रही है। मेहुल उससे पूछताछ करता है तो वो सच सच बता देती है और सिमरन भी मिल जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल अपने तीनों दोस्त मोहित, रमेश और सोनू के लिए एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाता है। लेकिन जब वो तीनों पेंटिंग देखने के लिए घर पहुंचते हैं तो राहुल जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके पेट में चाकू घुसा हुआ था। ये देखकर तीनों जोरों से चिल्लाते हैं। तभी सोनू डिटेक्टिव मेहुल को फोन करके राहुल के घर बुला लेता है। तुम तीनों में से लाश को सबसे पहले किसने देखा था? तो तीनों एक साथ कहते हैं, हम तीनों लाश के पास एक साथ आए थे। ठीक है, राहुल के मर्डर के टाइम तुम तीनों कहाँ थे? सर मैं अपनी बीवी के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था। सर मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर गया था। शल मैं अपने गार्डन में अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। मेहुल तीनों की बातें सुनता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए? मोहित कहता है कि वो गार्डन में था और उसने अभी व्हाइट शूज पहने हुए हैं और वो कितने चमक रहे हैं। गार्डन में शूज में कुछ ना कुछ गंदगी तो जरूर होनी चाहिए थी। बल्कि जूते के कोने में देखिए, ग्रीन कलर लगा हुआ है, यानी खूनी मोहित है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार 5 दोस्त सुरेश, महेश, करीमा, पप्पू और सोनम पप्पू के घर पे पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उनमें से की मौत हो जाती है। सब डर जाते हैं और तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ बुला लेते हैं। डिटेक्टिव मेहुल सबसे पूछताछ करता है, जब ये छत गिरी तब तुम चारों क्या कर रहे थे? सर मैं और पप्पू हॉल में बैठ के टीवी देख रहे थे। सर मैं किचन में खाना बना रही थी। सर मैं तो वॉशरूम में था। डिटेक्टिव मेहुल चारों की बात सुनता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने सोनम को धक्का दिया है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? डिटेक्टिव मेहुल गरिमा को पकड़ लेता है क्योंकि गरिमा उस वक्त किचन में काम कर रही होती है और उसके हाथ में देखिए हल्दी लगी हुई है और सेम हल्दी का निशान सोनम के कपड़ों पे भी लगा हुआ है। मतलब गरिमा ने उसे धक्का दिया है। मेहुल उसे जेल में डाल देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 4 दोस्त सोनू, मोनू, विकास और दीप माउंटेन पे क्लाइंबिंग करने जाते हैं। तभी वहां पर दीप का खून हो जाता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि दीप को किसने मारा है। विकास डिटेक्टिव मेहुल को फोन करके बुला लेता है। थोड़ी देर में डिटेक्टिव मेहुल वहां पे पहुंच जाता है। मेहुल सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। मतलब इसे जहर वाली सुई चुपा के मारा क्या है? डिटेक्टिव मेहुल अब बचे हुए तीनों लड़कों से लकड़ी उठाने के लिए कहता है और उसके साथ आने के लिए कहता है। सभी लकड़ी उठाते हैं और लाइन से चलने लगते हैं। मेहुल ध्यान से तीनों को ऑब्जर्व करते रहता है और समझ जाता है कि किसने दीप को मारा होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोनू और मोनू ने लकड़ियों को राइट में पकड़ा हुआ है जबकि विकास ने लकड़ियों को लेफ्ट में पकड़ा हुआ है। ये देखकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि विकास ने खून किया होगा क्योंकि दीप को सुई भी लेफ्ट साइड से मारी गई थी और ये कोई लेफ्टी ही कर सकता है और इन सब में विकास लेफ्टी है। मेहुल उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे जेल में डाल देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इंडिया के एक रिनाउंड म्यूजियम से एक एशियन आर्टिफैक्ट चोरी हो गया है। डिटेक्टिव आलिया और जोया इस केस को सॉल्व करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें एक क्रिप्टिक नोट मिलता है। मैं शार्प हूँ लेकिन नाइफ नहीं हूँ। मैं लिखने के काम आता हूँ लेकिन मैं पेन नहीं हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? ये रिडल का आंसर पेंसिल है। म्यूजियम के ड्रॉइंग सेक्शन में चेक करते हैं। आप तो जीनियस है आलिया। ड्राइंग सेक्शन में आलिया और जोया को एक पेंसिल मिलती है जिसमें एक और नोट छुपा हुआ होता है। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कान के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं लेकिन हवा के साथ मैं जिंदा हो जाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? मैं
रिडल का आंसर इको है। मुझे लगता है हमें इको चेंबर में जाना चाहिए। आप भी मेरे जैसे इंटेलिजेंट हो जोया। इको चेंबर में दोनों को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें अगला रिडल होता है। मैं जिंदा नहीं हूँ लेकिन मैं बढ़ता हूँ। मेरे पास लंग्स नहीं है लेकिन मुझे हवा चाहिए। मेरे पास मुंह नहीं है लेकिन मैं डूब सकता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? ये रिडल का आंसर फायर है। हमें म्यूजियम के फायर प्लेस में चेक करना चाहिए। चलो आलिया दीदी जल्दी वहाँ। फिर फायरप्लेस एरिया में उन्हें एक हिडन कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें उन्हें एक और नोट मिलता है। जितना ज्यादा ये होता है उतना कम आप उसे देख पाते हैं। ये क्या है? ये रिडल का आंसर डार्कनेस है। चलो बेसमेंट में देखते हैं क्योंकि वहाँ डार्कनेस होती है। बेसमेंट और डार्कनेस क्या कॉम्बिनेशन है? बेसमेंट में डिटेक्टिव्स को एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें आर्टिफैक्ट छुपा हुआ होता है और एक सस्पेक्ट अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है। लगता है हमें चोरी का मास्टरमाइंड मिल गया है। ये रिडल सॉल्व करके तो मजा ही आ गया। डिटेक्टिव ने सारे रिडल सॉल्व करते हुए चोरी के पीछे की मिस्ट्री सॉल्व कर ली। आलिया और जोया रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पिंटू मिंटू और चिंटू तीनों बहुत ही बदमाश बच्चे थे। तीनों का बेडरूम सेम ही था। रोज रात को होमवर्क छोड़कर मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते थे। एक दिन अचानक पापा कमरे में आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त ये तीनों बुक पढ़ रहे थे। लेकिन पापा तुरंत समझ जाते हैं कि एक बच्चा बुक पढ़ने का नाटक कर रहा है। लॉजिकल आर्मी वो कौन है? पिंटू मिंटू या चिंटू? सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। लॉजिकल आर्मी बुक रीड करते समय दोनों हाथों से इस तरह से बुक पकड़ा जाता है, मतलब ग्रिप में बुक के आजू और बाजू में अपना हाथ होता है। लेकिन चिंटू के हाथ तो दिख ही नहीं रहे हैं क्योंकि उसने बुक के पीछे अपने हाथों में मोबाइल पकड़ के रखा है। पापा ये समझ जाते हैं। धीरे से पीछे से जाग के देखते हैं तो समझ जाते हैं कि चिंटू नाटक कर रहा था पढ़ने का। उसकी चोरी पकड़ी जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। नैरोबी के हाई सिक्योरिटी लैब से एक टॉप सीक्रेट ब्लूप्रिंट चोरी हो जाता है। डिटेक्टिव वांजीरू और कमारी इस केस को सॉल्व करने के लिए पहुंच जाते हैं। दोनों डिटेक्टिव तीन सस्पेक्ट को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था लैब में रात के 8 बजे तक, फिर मैं निकल गया। मैंने ब्लूप्रिंट रूम के आसपास किसी को नहीं देखा। मैं 9 बजे के आसपास कॉरिडोर्स को क्लीन कर रही थी। मैंने मिस्टर पटेल को लैब से निकलते और मिस्टर थॉमसन को ब्लूप्रिंट रूम में जाते देखा। मैं पूरी रात लैब के बाहर ड्यूटी पे था। मैंने मिस लीला को क्लीनिंग करते देखा लेकिन ब्लूप्रिंट रूम में किसी को आते या जाते नहीं देखा। इनमें से एक सस्पेक्ट झूठ बोल रहा है, क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? मिस लीला क्लीनिंग स्टाफ झूठ बोल रही है। अगर उन्होंने मिस्टर पटेल को 9 बजे देखा था तो ये मिस्टर पटेल के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो कहते हैं कि वो 8 बजे निकल गया था। और अगर मिस्टर अली पूरी रात ड्यूटी पे था तो उसने ब्लूप्रिंट रूम में किसी को आते हुए या जाते हुए देखा क्यों नहीं? इसका मतलब मिस्टर लीला मिस्टर थॉमसन के बारे में जो बता रही है वो भी झूठ है, वो चोरी में शामिल है। वांजीरू और कमारी उसे पकड़ लेते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। नैरोबी के एक फेमस कैफे में एक वेल नोन जर्नलिस्ट को पॉइजन टी सर्व किया गया जिससे उसकी डेथ हो गई। वांजीरू और कमारी केस सॉल्व करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। टोटल 3 सस्पेक्ट्स हैं, उनमें से एक झूठ बोल रहा है और उसने पॉइजन दिया है। तीनों के जवाबों को ध्यान से सुनिए। मैं किचन में था जब जर्नलिस्ट आए। मिस्टर करीम चाय बना रहे थे, मैं वहां से चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं चाय सर्व कर रही थी, मैंने जर्नलिस्ट को चाय दी और वो मुझे नॉर्मल लग रहे थे। फिर मैं दूसरे कस्टमर्स को अटेंड करने चली गई। मैं चाय बना रहा था, मैंने इंग्रेडिएंट्स चेक किए थे लेकिन कुछ भी एक्सपायर्ड नहीं था। मैंने मैनेजर जोसेफ को किचन में आते हुए देखा था। जनरली वो आते नहीं है और उसी टाइम मैं वॉशरूम चला गया था। अब कौन झूठ बोल रहा है? लॉजिकल आर्मी जल्दी से मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अब कुक का काम है बनाना और वेटर का काम है सर्व करना। ये दोनों कुछ गड़बड़ करते तो तुरंत पकड़े जाते। सवाल ये है कि मैनेजर क्यों किचन में आया था?
और जब वो किचन में आया तो कुक वॉशरूम चला गया, मतलब उसे समय भी मिल गया कुछ करने के लिए। कमारी एक थप्पड़ लगाती है तो मैनेजर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इंडियन पुलिस को एक आदमी के ऊपर डाउट आता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो कोई फॉरेन पर्सन था। वो आदमी पुलिस को बताता है कि वो हॉलीवुड में एक एक्टर है और इंडिया में घूमने आया है। इसके बाद वो आदमी पुलिस को अपने एक हॉलीवुड फिल्म का सीन भी दिखाता है। सीन को देखते ही पुलिस समझ जाती है कि ये फॉरेन पर्सन झूठ बोल रहा है। क्यों लॉजिकल आरबी, सीन में ऐसा क्या देख लिया पुलिस ने? क्या आप सोच सकते हैं? जब वो आदमी नीचे गिर रहा है तो उसके बड़े बड़े बाल ऊपर की तरफ उड़ने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं उड़ रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड सीन है, ये फेक वीडियो है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर का पीछा करते करते मेहुल छत तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां से मेहुल को समझ नहीं आता कि चोर किस डायरेक्शन में क्या होगा। मेहुल अपने चारों तरफ ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो उसे एक क्लू मिल जाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप क्लू समझ सकते हैं? ध्यान से पूरे सीन को ऑब्जर्व कीजिए। छत के ऊपर टीवी की बहुत सारी छतरी लगी हुई है और सबका डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, लेकिन ये कॉर्नर वाली छतरी का डायरेक्शन देखिए बहुत डिफरेंट है और उसी में बाजू के लगे टीवी की ताजी ताजी पत्तियां नीचे गिरी हुई है। मतलब चोर इसी छतरी से टकराते हुए भागा होगा, इसलिए छतरी भी हिल गई और पत्ते भी नीचे गिर गए। मेहुल ट्री को देखता है तो चोर उसमें छुपा हुआ होता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोनों में कौन मूर्ख है, ए या बी? सोचो लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।